मामा वो ऐसा कैसे कर सकती है हमारे साथ? माहम जरूर कोई ऐसी बात है जो हम नहीं जानते। क्या मतलब? माहम वो इतना बड़ा स्टेप बगैर किसी वजह के नहीं ले सकते। जरूर कोई ऐसी बात है जो हम नहीं जानते। मुझे लगता है उसने पहले से प्लानिंग की हुई। मामा अगर कोई मसला होता तो वो अज़द के लिए हाँ क्यों करती? माहम तुम नहीं जानती वो अज़द के लिए हाँ करके भी खुश नहीं थी। मामा उसको किसी ने प्रेशराइज नहीं किया था, उसने अपनी मर्जी से हाँ की थी। माहम कहीं इसके घर वालों ने तो नहीं इसे वापस बुला लिया? मामा अगर उसके घर वालों ने उससे कोई भी रابطہ रखने की कोशिश की होती तो हमें जरूर अंदाजा हो जाता। ऐसा भी तो हो सकता है वो जिस कजन के इंतजार में थी उसकी खबर तो नहीं मिल गई उसे। नहीं मामा, अगर उसके कजन ने उससे रابطہ किया होता तो वो मुझसे ये बात जरूर शेयर करती। हाय मामा, कुछ पता चला दुआ का? तुम्हें दुआ की फिक्र है? हैरत की बात है। मामा रिलैक्स, आप तो ऐसे टेंशन ले रही हैं जैसे उसको कोई उठाकर ले गया। वो अपनी खुशी से ही गई है। नहीं जावी, वो अपनी खुशी से कभी भी यहाँ से नहीं जा सकती। मामा ने मुझे फोन पे खुद बताया था कि गार्ड ने उसको जाते हुए देखा। मुझे तो लगता है जिसकी वजह से उसने अजद को रिजेक्ट किया था उसी के साथ भाग गई। माइंड योर लैंग्वेज जावी। मामा मैं कुछ गलत नहीं कह रहा, वो जिस तरह से गई है ना वो अपनी मर्जी और खुशी से ही गई। और वैसे भी जो इंसान अपनी मर्जी और खुशी से जाता है उसकी वापसी की उम्मीद नहीं होनी चाहिए। जैसे तुम आई हो। मैं अपनी खुशी से आई हूँ, और वैसे भी आपके बेटे और शौहर की मर्जी शामिल थी उसमें। मामा प्लीज, सिला को दुआ से कंपेयर मत किया करें। ये कोई रात के अंधेरे में भाग कर नहीं आई। महरोज जल्दी ना करते तो ये भाग कर ही आ जाती। फॉर गॉड सेक मॉम, बस कर दें। सिला तुम अंदर जाओ। मैं चाह तो रही हूँ, ये इनको कह दें कि दुआ का सोग मनाने से बेहतर है कि कल जो मेहमान आ रहे हैं ना उनके इस्तकबाल की तैयारी कर लें। मामा प्लीज, अब दुआ चले गई है, अब तो उसकी वजह से सिला की इंसल्ट करना बंद कर दें।